न्यूज में आप सभी का स्वागत है प्रियंका भारद्वाज शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा बिना इजाजत फीस नहीं बढ़ा सकते दिल्ली के प्राइवेट स्कूल और न ही लॉकडाउन में फीस मांग सकते हैं लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रख कर्नाटक के पूर्व सीएम एस डी कुमार स्वामी के बेटे का वहा शुक्रवार को धूमधाम से मनाया शादी में भारी भीड़ उमड़ी थी नहीं रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बिहार के पटना में लालू की रसोई शुरू आरजेटी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने अपने जन्मदिन पर लॉकडाउन से परेशान गरीबों के लिए आज से पटना में शुरू की मुफ्त खाने की व्यवस्था 500 लोग रोज खाएंगे खाना पंजाब के होशियारपुर के खेतों में वायुसेना का लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे के आपात लैंडिंग तकनीकी खराबी के कारण करनी पड़ी लैंडिंग पायलट व हेलीकॉप्टर पूरी तरह सुरक्षित योग गुरु रामदेव बाबा बोले कोरोना को हराने के लिए भारतीयों को दिनचर्या में बदलाव करना जरूरी साथ ही योग ध्यान व अध्यात्म का सहारा लेने से सकारात्मक सोच आएगी अहमदाबाद में सैलून बाल दाढ़ी बनवाने वाले एकत्रित दस लोग गिरफ्तार सैलून मालिक शटर बंद करके चोर छुपे कर रहा था काम पुलिस ने मालिक समेत सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के दक्षिण इलाके में सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले दोनों हमलावरों को मार गिराया पांच दिनों से छिपे थे हमलावर आतंकवादी कोटा में लॉकडाउन की वजह से फंसे यूपी के हजारों छात्र छात्राओं योगी सरकार ने वापस लाने के लिए तीन बसें भेजी इन बच्चों ने सेंड अस पैक होम अभियान की शुरुआत की थी यूपी के बदायूं में कड़ी धूप से मुफ्त चावल के लिए लाइन में लगी महिला की मौत मामले में जिला पूर्ति अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया घटना कोरगांव थाना क्षेत्र के पलादपुर ग्राम की है कोरोना योद्धाओं पर हमले की घटना बढ़ती जा रही है ताजा मामला यूपी के बरेली का जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम पर 20 से 25 लोगों ने हमला किया ए एन एम ऐसी मोबाइल वापस छीनकर रजिस्टर फाड़ने की कोशिश घटना फरीदपुर के ऊंचे मोहल्ले की पुलिस मौके पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई इसके साथ ही मुख्य समाचार समाप्त हुआ आप देखते रहिए नमस्कार